तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ये हम पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड ईडी इज पैरेलल टू द डायामीटर एसी ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ईडी, ये जो ईडी है ये इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। टू द डायामीटर एसी ऑफ द सर्कल, इसने एसी लिख रखा है, एसी गलत लिख रखा है, डायामीटर तो बीसी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ बीसी आएगा। मैं कर देती हूँ क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे बीसी आएगा एसी की जगह, ठीक है, ये बीसी आएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड ईडी इज पैरेलल टू द डायमीटर बीसी, ये जो ईडी है ये बीसी के पैरेलल है, ठीक है। गिवन सी ए ई, सी सी ए ई, ये 65 हमें दे रखा है, ठीक है। फाइंड एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल दे रखा है 65 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, डी ई सी। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सेमी सर्कल के अंदर है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किसके अंदर है, सेमी सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो पूरा ये जो एंगल हो जाएगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, ये वाला जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर मैं इस सीडी को ज्वाइन कर दूं, यहां से इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, बी सी ई, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है, इसके अंदर ए ई डी सी, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ये अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 65 है तो मुझे ये पता चल जाएगा ये कितने का होगा, तो ये कितने का हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम होता है 180। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 65 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 65 माइनस कर दो एक बार, 65 निकाल दो इसमें से। ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो इसमें से 65 माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 6 गया तो 1, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा अपना 1 1 5, ये आ गया इतना, ठीक है। अब देखो ये पूरा लिख के बताऊंगी मैं, एक बार ऐसे समझा रही हूँ, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वापस से बी सी डी ए, बी सी डी ई, ये वापस से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके अंदर अगर ये 115 है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो अगर ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस करो 115 को, 180 में से माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, तो ये आ जाएगा अपना 65, 65। अब देखो अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ऐसे ट्रांसवर्सल होती है, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो ये एंगल है और जो ये पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का होगा। तो अगर ये 65 है तो ये पूरा कितने का होगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कितने का होगा, 180 में से, ये पूरा मैं लिख के करके बताऊंगी एक बार, मैं ऐसे ही बता रही हूँ सिर्फ, फिर पूरा मैं लिख के बताऊंगी कैसे लिखना कैसे। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 1, तो ये पूरा 115 का है, ये पूरा 115 का है, इसमें से ये 90 निकाल दो तो ये आ जाएगा, तो 115 में से अगर मैं 90 माइनस कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, 100 और 115, तो ये 25 डिग्री का आ जाएगा अपना ये वाला। डी ई सी कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 25 डिग्री, ठीक है, सही आ रहा है आंसर। अब मैं लिख के पूरा बता देती हूँ कि कैसे लिखना, कैसे इसको ये पूरा बता देती हूँ शुरू से, कैसे क्या क्या लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहले देखो अपन को क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें ये वाला एंगल निकालना होगा, ये वाला एंगल, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो इसको ज्वाइन कर देना, ज्वाइन सी डी ऐसे लिख देना, ठीक है। आंसर नंबर 22, शुरू से बता रही हूँ क्या क्या लिखना है। इसमें हम लिखेंगे कि एंगल, सबसे पहले लिख देना इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पे लिखेंगे इन, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है साइक्लिक क्यों से क्वाड्रिलैटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए सी डी ई, ए सी डी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल देखो कैसे बनता है, जब इसके चारों क्वाड्रिलैटरल के चारों पॉइंट सर्कल से मीट करने चाहिए, सर्कल के सर्कमफेरेंस से, ठीक है ना। तो ए सी डी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो ए भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, सी भी, डी भी और ई भी, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए सी डी ई। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए, सॉरी क्यों से होता है ना क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हाँ क्यों ही लिखा है ये। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई, ए सी डी ई के अंदर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये लिखना है आपको, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने इसको 180 क्यों लिखा है। एंगल ए और एंगल डी का जो सम होगा वो 180 होगा, 180 क्यों होगा, यहाँ पे थ्योरम लिखनी है कि ओपोजिट सम ऑफ ओपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। वापस रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना दे रखा है, 65, तो यहाँ से हम एंगल डी निकाल लेंगे, तो एंगल डी कितना आ जाएगा देखो 180, तो अपना एंगल डी आ जाएगा यहाँ से, एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से 65 को कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा 75 और 80, 115 आ जाएगा, 115 डिग्री। तो एंगल डी कितना आ गया, ये कितना आ गया हमारा 115 डिग्री, 115 डिग्री। अब ये आ गया, तो अब हम ये वाला निकाल लेते हैं, ये एंगल बी। अब देखो इसमें बी सी डी ई ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि बी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, सी भी, डी भी और ई भी, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आप ऊपर एक लाइन और लिख सकते हो, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी ई डी ई, ठीक है। अब हम दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, ये वाला बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 होगा। वापस से यहाँ रीजन लिखना है, सेम रीजन कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। फिर एंगल बी हमें नहीं पता, तो एंगल बी को एज इट इज लिख दो, एंगल डी हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया है यहाँ ऊपर ही 115, तो हम यहाँ लिख देंगे 115 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 115 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 65 बचेगा, तो ये 65 हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है। ये 65 हो गया, ये भी हमारा आ गया 115। अब देखो जो ये पूरा होगा ना, ये वाला पूरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है ये ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब इसके बाद करेंगे हम, इसके बाद हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ इसके आगे का।
इसके आगे का यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल बी ई सी है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, ब्रैकेट में रीजन लिखना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये आ गया 90 डिग्री, ये भी आ गया, ये भी आ गया। हमें ये पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बताइए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ई ई प्लस एंगल ई बी ई इक्वल टू 180। देखो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला ई बी सी मतलब ये वाला एंगल, बी ई डी मतलब ये पूरा और ये, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिखना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, हमें दे रखा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। ED is parallel to BC, ये दे रखा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अपन ने लाइंस और एंगल वाले चैप्टर में पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। तो अब इसमें देखो EBC, ये तो हमें पता है 65 है, इसकी जगह तो लिख दो 65। और इसकी जगह मैं दो एंगल लिख सकती हूँ ना, बी ई डी की जगह मैं लिख सकती हूँ बी ई सी प्लस सी ई डी। तो इसकी जगह आपको यहाँ पे लिखना होगा एंगल बी ई सी प्लस एंगल, ये बी है ठीक है ना, बी बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180। बस ये हो गया, ये आंसर आ जाएगा अपना। तो BEC हमें पता है, BEC क्या है, 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी पता है, तो इसकी जगह लिख दो 90 डिग्री प्लस एंगल CED प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल सी E, D, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 90 प्लस 65 कर लो पहले, कितना आएगा, तो 155 हो जाएगा ना, तो 155 को 180 में से माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 75 75 और 25, 25 डिग्री आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, यही पूछा था हमसे कि ये वाला एंगल बताइए, चाहे आप इसको DEC लिख दो चाहे CED लिख दो, एक ही बात है, दोनों सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो मैं रब कर रही हूँ, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस फिगर के अंदर ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उस डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी, इसके डायगोनल पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें 80 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल डी बी सी और बी ए सी, ये वाला हमें दे रखा है 40 डिग्री। फाइंड बी सी डी, बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल हमसे पूछा है कि ये वाला बताइए कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये हमसे पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें ये 80 डिग्री दे रखा है ना, तो यहाँ पे ये देखो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये सी के ऊपर ये वाला एंगल खड़ा हुआ है, ये वाला एंगल,
ठीक है, इसी के ऊपर ये वाला ट्रायंगल खड़ा हुआ है, तो अगर ये 80 डिग्री है, ये वाला अगर 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री होगा। सिंपल सी चीज है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ये देखो इसी लाइन के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर मैं कह दूं, मतलब इसी सेगमेंट पे हमारा ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, और इसी सेगमेंट पे हमारा ये दूसरा भी ट्रायंगल खड़ा हुआ है। तो सेम सेगमेंट पे जो ट्रायंगल खड़े हुए होते हैं उनका मेजर इक्वल होता है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। लिखना भी बता दूंगी अभी कैसे लिखना है। अब 80 + 40 कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 120। ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं इसका एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 में 60 60 सही आंसर आ रहा है। अब मैं लिखना बता देती हूँ इसको लिखना कैसे। देखो आंसर नंबर 23, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 80 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल 80 डिग्री के होंगे, ये 80 डिग्री का है तो ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। रीजन लिखो यहाँ पे, रीजन आपको लिखना है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे जो ट्राइंगल ऐसे खड़े हुए होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो यहां से एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 80 + 40, 80 + 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इक्वल टू 120 डिग्री। अगर एंगल ए 120 डिग्री आ गया तो एंगल सी भी आ जाएगा 120 डिग्री। अब यहां लिखेंगे आप एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा कि आप 180 इसको क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना होगा। यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब एंगल ए के नीचे लिख दो 120, ये तो हमें दे रखा है, प्लस एंगल सी यहां से निकल जाएगा 180। ठीक है, ये प्लस है तो एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस कर दो क्या आ जाएगा, 60 आ गया हमारा आंसर, 60 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, आंसर नंबर 23 खत्म हो गया। ठीक है, ये आंसर नंबर 23 खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 पे, नंबर 24। 24 में क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। इसमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 78 दे रखा है तो ये पता चल जाएगा इससे, ये वाला एंगल, क्योंकि ए डी सी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इस वाले सर्कल का, ए डी सी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अगर ये 78 है तो इसको 180 में से माइनस करो कितना आएगा, 180 में से 78 माइनस करेंगे तो 102 आएगा यहाँ पे, 102। तो ये जो एंगल है ये आ गया 102 का। अब ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 में से 102 अगर मैं निकालूं तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 78 डिग्री। अब एक्स पता है तो ये भी आ जाएगा, इन दोनों का सम 180 होता है क्योंकि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। क्या आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 24th का 78 और 102 सही है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे ये मैं बता देती हूँ। देखो आंसर नंबर 24 क्या लिखना है, आप यहाँ पे आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तरह से लिखना, ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ ओपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अब एंगल ए हमें पता है 78, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 78, तो 102 मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेना एंगल ए की, इसको माइनस में भेजना तो 102 ये आ गया,
अब ये वाला निकालेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट आपको लिखना है एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। देखो बी सी डी मतलब जो ये एंगल है और जो ये एंगल है डी सी एफ, ये एंगल इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमें बी सी डी पता है, बी सी डी हमें पता है 102, ऊपर ही निकाला था अपन ने, प्लस डी सी एफ नहीं पता, डी सी एफ नहीं पता है, तो इसको एज इट इज लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अपना आ जाएगा एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 में से 102 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 78 डिग्री, जो कि एक्स है, तो एक्स तो आ गया 78 डिग्री। अब ये और निकालना है तो यहाँ पे लिखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में सेम रीजन लिखना है, ओपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक, सम ऑफ ओपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सेम रीजन लिखना है, एक्स हमें पता है, एक्स के नीचे लिख देना 78, तो वाई कितना आ जाएगा, एंगल वाई आ जाएगा 180 में से 78 जाएगा तो वाई आ जाएगा 102 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हो गया अपना खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ए डी सी बी, मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो चारों जो वर्टिसेस हैं, ये जो वर्टिसेस हैं ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने चाहिए। इसमें देखो जैसे ए ये बी ये सी ये डी सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर टच नहीं करते हैं तो वो नहीं होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इन द एडजॉइनिंग फिगर सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन बी ए एस एंड, जो बी ए है ये तो है डायमीटर, सी और डी यहाँ पर सेमी सर्कल के अंदर दिखा रखा है, मतलब सी और डी यहाँ पर है, ए ये क्या है डायमीटर है, बी ए डी, बी ए डी ये 70 दे रखा है और डी बी सी, डी बी सी ये 30 दे रखा है। फाइंड ए बी डी, क्या बोला है इसने, फाइंड एंगल ए बी डी, ए बी डी मतलब ये वाला एंगल पूछा है हमसे, ये वाला, और कौन सा पूछा है, बी डी सी, बी डी बी डी सी और ये वाला एंगल पूछा है, ये दो एंगल्स हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये बहुत इजी सा है, देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये ट्राई एंगल है अपना, ये पूरा ट्राई एंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा सबसे पहले, तो ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल ए बी डी ये सेमी सर्कल के अंदर है, आधे सर्कल में है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है ये 70 है, तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा, टोटल 180 होता है ना इनका, तो 90 प्लस 70 कितना होगा 160, 160 तो ये 20 आ जाएगा, तो ये तो आंसर आ गया 20, एक आंसर निकल गया, लिखना कैसे ये भी मैं बताऊंगी, ये तो आ गया 20। ठीक है, अब देखो अब ये ओपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 30 प्लस ये 50 है ना टोटल, ये 50 है तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 में से 50 निकाल दो, ये पूरा होना चाहिए 130 डिग्री का, ये पूरा कितने का होना चाहिए 130। अब 130 में से अगर हम 90 भी निकाल दें तो कितना बचेगा 40, तो ये आंसर आ गया अपना, ये 40 डिग्री बच जाएगा। अब इसको लिखना कैसे मैं पूरा बता देती हूँ वापस से, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 20 और 40 सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखना बता रही हूँ आंसर नंबर 25। ये देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले आपको लिखना है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो ए डी बी है ये 90 डिग्री है, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, फिर यहाँ लिखना है इन ट्राई एंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राई एंगल के अंदर, ए बी डी इस ट्राई एंगल के अंदर हम लिखेंगे एंगल डी
ए बी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो डी ए भी हमें पता है 70 डिग्री है, ए डी भी हमें पता है 90 डिग्री है, ये हम निकाल लेंगे। एंगल ए बी डी, ए बी डी पूछा है ना अपन से, तो ये यहां से निकल जाएगा, एक एंगल तो यहां से निकल जाएगा अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 में से इन दोनों को पहले प्लस कर लो, 90 प्लस 70 कितना होता है 160, तो 180 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये आ गया अपना 20 डिग्री, एक आंसर निकल गया, ये एक आंसर आ गया। अब ये आ गया, अब सेकंड में हम क्या लिखेंगे, अब दूसरा मैं यहाँ पे कर रही हूँ, दूसरे वाले में अपन लिखेंगे, मैं ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। यहाँ पे आपको लिखना है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ब्रैकेट में रीजन लिखना है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी तो टोटल कितना है 50 है, 30 प्लस 20 50 हो गया ना, प्लस एंगल डी को आप दो टुकड़ों में लिखो। एंगल डी को मैं लिख सकती हूँ ए डी बी प्लस बी डी सी, तो एंगल डी की जगह हम लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, से लिखना है आपको नोटबुक में, फिर 50। अब ए डी सी भी हमें पता है, एंगल जो ए डी सी है, ए डी सॉरी ए डी बी लिखना है आपको यहाँ पे, ए डी बी, ए डी बी, तो जो एंगल ए डी बी है ये कितना है 90 डिग्री है, प्लस बी डी सी हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख दो। बी डी सी पूछा ना, ये बी डी सी, तो यहाँ से हमारा बी डी सी आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस यहाँ पे हो गया क्वेश्चन खत्म। एंगल बी डी सी बराबर 180 में से पहले इन दोनों को प्लस करो 140, 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर आ गए अपने, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, पेज ओपन कर देती हूँ मैं, 1 मिनट। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 26 में, क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा ए बी सी। अगर इन्होंने ये 130 डिग्री दे रखा है ना, ये वाला एंगल, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे ये मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले तो ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसको गलती से भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मत समझ लेना, ए है बी है सी, तीन ही पॉइंट है सिर्फ सर्कल के ऊपर, चौथा कहाँ है, चौथा नहीं है ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सबसे पहले तो फाइंड एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला। तो देखो बहुत सिंपल सा है, हम ये आर्क लेंगे, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ठीक है। तो ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 में से 130 माइनस कर दो, सबसे पहले क्या बचेगा, चलो मैं लिख के ही बता देती हूँ पूरा आंसर। नंबर 26, आंसर नंबर 26 में हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। देखो एंगल ए ओ सी वैसे तो ये होगा, अगर मैं सिर्फ लिखू ना एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी ये वाला होगा जो कि 130 है। अगर मैं रिफ्लेक्स लगा देती हूँ तो ए ओ सी को छोड़कर ये वाला हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर दो किसको, 130 को माइनस कर दो,
आ जाएगा यहाँ पे, 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से 3 या तो 3 और 0, 230 डिग्री। तो जो ये एंगल है ये आ गया 230 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है, AOC का मतलब तो होता है, AOC का मतलब हो गया ये वाला एंगल। अगर हम रिफ्लेक्स लगा देते हैं तो उसका मतलब हो गया इसको छोड़कर जो बाकी बचा है वो पूरा, ठीक है। तो ये 230 का है। अब ये आर्क सेंटर पे अगर 230 बना रहा है तो किसी भी अदर पॉइंट पे इसका हाफ बनाएगा, 230 का हाफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 230, हाफ ऑफ 230 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस एंगल बी इज इक्वल टू आ गया 115 डिग्री। तो जो ये है ये आ जाएगा 115। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि आपने इसका हाफ क्यों किया है, तो आपको यहाँ रीजन लिखना है, थ्योरम 10.8 जो थी वो लिखनी है एज इट इज। एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सब्सटेंड बाय द आर्क एट एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। वो जो थ्योरम 10.8 थी वो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे लिखनी है। सिर्फ ये नहीं लिखना है कि थ्योरम 10.8, पूरा स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने बोला है अभी, वो पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। वापस बोल देती हूँ मैं, जो थ्योरम 10.8 है क्या थ्योरम थी, वो थ्योरम थी कि एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल, इस तरह से था। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो एंगल बी 115 आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे, बस क्वेश्चन नंबर 26 तक ही। गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच क्वेश्चंस। थैंक्स टू ऑल।